हमारे सबसे बड़े हमारे समाज के आदर्श बापूजी, महेश भाई जी, रमेश जी, राजू जी और मेरी तीनों बहनें और यहां से बड़ी बड़ी दूर से आए हुए जो सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी मिसाल आज मुझे नजर आती है, ब्रिगेडियर साहब, मेरी बहन गुगली जी पुलिस ऑफिसर और मेरे बहुत प्यारे पारिवारिक दोस्त और मेरे छोटे भाई जिन्होंने अरुणाचल के अंदर टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और मेरे यहां पे बैठे हुए भाइयों बहनों और वो मेरी बेटियों जिनको आज शिवानी ग्रुप परिवार की तरफ से एक नया रास्ता मिला है, एक नया उजाला हुआ है। मैं सबको वंदे मातरम, भारत माता की जय कहता हूं। पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, सच ढूंढने की कोशिश करता हूं और कई बार दुखी भी हो जाते थे। क्या इस राष्ट्र के अंदर कहीं सच्चाई दिखाई देगी को दिल के साथ इस राष्ट्र के प्रति, बेसहारा के प्रति, इस संस्कृति को, राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए को सामने आएगा। वो आके मुझे सूरत के अंदर शिवानी परिवार की तरफ, जो संस्कृति का एक बहुत बड़ा गुजरात मंदिर है जिसमें बेसहारों की, जिसमें मजलूमों की, जिसमें दुखियों की और जो जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं उनकी परिवारों की रक्षा के लिए को सामने आएगा। यहां एक सच दिखाई दिया, जहां मेरी बहन ने अभी बताया, गुगली जी ने, जहां मेरे भाई संजय सैन जी ने बताया और जिनको मैंने देखा। हम राजनीतिक लोग बड़े बड़े वादे भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े वादे देखते हैं, बड़े अखबारों में के अंदर, बड़ी न्यूज के अंदर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पर बुरा ना माने, होता कुछ नहीं। यह सिर्फ फोटो पॉलिटिक्स, मीडिया पॉलिटिक्स होती है। जो कभी काम करना होता है मीडिया उसको खुद खींच करके पूरी दुनिया को दिखाती है, जो हम दिखाते हैं वो काम नहीं होता। और शिवानी परिवार हमें प्रेरणा देता है, हम इससे सीख के जाते हैं। जैसे मेरी बहन ने जम्मू कश्मीर के अंदर किन हालातों के अंदर वो लड़ाई लड़ते होंगे, शहीद परिवारों का जिक्र किया, उनके लिए एक जज्बा पैदा उनके अंदर होगा, यहां से उनको भी प्रेरणा मिलेगी। संजय जी ने अरुणाचल के अंदर जहां पूरी डेवलपमेंट विकास नहीं है, मुझे कल बता रहे थे, मेरे से जितना भी हो सकता है मैं कहीं से भी करूं, उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उन बच्चों के लिए खेलों के लिए, उन बच्चों का फ्यूचर कैसा हो मैं उसके लिए, रहने वाले राजस्थान के हैं पर एक असली हिंदुस्तानी मेरी बहन और संजय सैन जी ये देख करके बताते हैं कि पूरा राष्ट्र हमारा है। कहीं भी अरुणाचल हो, असम हो, बंगाल हो, नागालैंड हो, ये राष्ट्र हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, इनके लिए जो भी कर सकते हम करेंगे। तो ये परिवार, ये शिवानी ग्रुप हमारे लिए एक आदर्श बन चुका है। आने वाले वक्त के अंदर यहां से बहुत लोग सीख के जाया करेंगे। मैं तो सरकार को कहूंगा गुजरात के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए कि को गैर राजनीति, यहां से संस्कृति सीखी जाए, यहां से मानवता की सेवा सीखी जाए,
पूरी दुनिया से लोग आए, क्योंकि आज हमारा समाज संस्कृति, हमारा समाज तर्थ की तरफ, किसी पे तर्थ नहीं कोई खाता, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, वो साहस से सीख के जाएं और मानवता की सेवा करें। मैंने देखा है कि गुजरात के लोग व्यापार तो दिमाग से करते हैं पर प्यार दिल से करते हैं। जिससे प्यार होता है, जहां मानवता होती है, वो एक गुजरात है। हमें बड़ा कुछ यहां से सीखना है। और ये जो दिया बापूजी ने जलाया है, इस दिए को लेकर के देश के हर कोने में लेके जाना है। जिस दिन जब जगता हुआ दिया हर घर में, हर देश के राष्ट्र के कोने कोने में जाएगा, उस दिन ये हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। शिवानी परिवार, संस्कृति का सबसे बड़ा मंदिर, बेसहारों का सबसे बड़ा सहारा, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई देखने वाला नहीं उनका सहारा, जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके परिवार का सहारा, ये वो बहुत बड़ी संस्कृति का, इतिहास का बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि ये संदेश लेके पूरे राष्ट्र के कोने कोने तक हम पहुँचाए। हम महेश भाई जी का, बापू जी का बहुत शुक्रगुजार है। और महेश भाई जिस तरीके से इस एक मूवमेंट को, इस एक क्रांति को लेके चले हैं पूरा परिवार, उसके बहुत आभारी हैं हम, उनका देना नहीं दे सकते। वंदे मातरम, जय हिंद।